आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी बड़े बड़े ब्रेक शू देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रेक शू आप देख रहे हैं, जो एक ट्रक के ब्रेक शू हैं, एक हैवी ट्रक के ब्रेक शू हैं। जैसे कि एक हैवी ट्रक होता है, वो काफ़ी लोड लेके चलते हैं, तो उनके अंदर उतनी ही सफिशेंट ब्रेक की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए काफ़ी बड़े बड़े ब्रेक शू की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अपनी बाइक का कभी ब्रेक शू देखा होगा, तो वो एक छोटा सा ब्रेक शू होता है, पर जहाँ पर आप देखिए कितने बड़े बड़े ब्रेक शू हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्रेक शू की रिबीटिंग कैसे करते हैं, इसको हम किस तरीके से जो ब्रेक शू पैनल होता है उसके अंदर फिट करते हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, आगे मैं पूरा लाइव दिखाऊंगा कि कैसे इस वीडियो में कैसे हम रिबीटिंग करते हैं ब्रेक शू की। यहाँ पर देखिए, ब्रेक शू जब ब्रेक अप्लाई होती है, तो ब्रेक शू ये अपनी जगह से ऊपर उठ के एक ड्रम होता है, जो कि ब्रेक ड्रम होता है, उसके साथ फ्रिक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे ट्रक या किसी भी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होता है। पर अब जहाँ पर ये खाली ब्रेक शू है, अब इसको रिबीटिंग करते हैं कि किस तरीके से इसको रिबीटिंग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस ब्रेक शू को हम रिबीटिंग कर रहे हैं, जो ब्रेक शू का पैनल होता है उसके अंदर रिबीटिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक अलग से ब्रेक शू आते हैं, और उसके साथ जो अगर किसी गाड़ी के ब्रेक शू घिस जाते हैं, तो उसको हम निकाल कर उसके अंदर न्यू ब्रेक शू फिट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो एक छोटी छोटी रिबिट्स होती हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की बनी होती हैं, उनको इसके अंदर हमें लगा कर उनको लॉक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम उनको किस तरीके से लॉक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम हैमर की सहायता से उस रिबिट को इस लॉक की ब्रेक शू के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उस होल के अंदर डालकर नीचे एक लोहे की सपोर्ट लेकर उसको हल्का हल्का हैमरिंग करना है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्रेक शू ब्रेक पैनल के साथ लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर जितने भी होल होते हैं, उन सभी होल में हम रिबिट डालकर एक एक करके इस तरीके से सारी रिबिट को ब्रेक शू और ब्रेक पैनल के साथ हम अटैच कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेक शू होता है वो पैनल के साथ बिल्कुल फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद ही हम उसको ट्रक के अंदर फिट करते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारा ब्रेक अप्लाई होता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रेक शू को ब्रेक पैनल के अंदर फिट किया जा रहा है। कोई ज़्यादा बड़ा एफर्ट नहीं होता है, इसके अंदर छोटी छोटी रिबिट होती हैं, बस उन रिबिट को थोड़ा ध्यान से हैमरिंग करना होता है। तो पूरा हैमरिंग और रिबिटिंग होने के बाद जो ब्रेक शू इस तरीके से कुछ दिखता है। अभी देखिए, जहाँ पर ये रिबिटिंग ब्रेक शू है, ये नीचे वाला जो ब्रेक शू पैनल है, उसको हमने पूरा ब्रेक शू रिबिट कर दिया है। जहाँ पर देखिए कितनी सारी रिबिट्स हैं, इनमें से कोई भी रिबिट को मिस नहीं करना है। कभी भी ऐसा रिबिटिंग करना है, तो उसमें पूरे के पूरे जितने इसके होल होते हैं, सभी होल के अंदर रिबिट करना है। एक भी होल को खाली नहीं छोड़ने, नहीं तो वहाँ से और भी रिबिट क्या टूटने का चांसेस हो जाते हैं। तो देखिए, जहाँ पर जैसे एक रिबिट जो बचे हुए, तो इसको भी हम पूरा रिबिटिंग करेंगे हैमर की सहायता से।